हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इकोरियम हॉबी। आ रहे हैं काविश के साथ। गाइस टुडेस वीडियो इज अबाउट इकोरियम प्लंबिंग। आप लोग मेरे साथ टाइम से थे ही, जो 200 गैलन सीरीज पूरी कंप्लीट करी थी। आपने देखा होगा कि जो हमने पंप यूज करा था वो सही नहीं था, और हमने भी अब रियलाइज करा कि वो सही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा नॉइज प्रोड्यूस कर रहा था और वो सही से वाटर पंप नहीं कर पा रहा था। उसकी कैपेसिटी खाली 1000 लीटर पर आर थी, और 1000 लीटर का मेरा इकोरियम भी है, खाली 1 आर में खाली 1 ही टाइम सर्कुलेशन हो रहा था, जो किसी भी इकोरियम के लिए सही नहीं है। मिनिमम 3 to 5 टाइम होना चाहिए। तो आज हम लोग उसी पे वर्क करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप इसकी वॉइस सुन सकते हैं मेरे पंप की, कितना ज़्यादा नॉइजी हो गया है ये कुछ दिनों से। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और फ्लो भी आप देख सकते हैं कितना स्लो फ्लो है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये देखिए पंप कितना ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है ये। तो अब इसको ऑफ करते हैं और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जब तक हमारा ये स्टम्प ड्रेन हो रहा है, तब तक हम कुछ आपसे थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ा बता दें पंप के बारे में अपना। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास इनफ रूम नहीं है कि अपना पंप हम इसमें ऐसे ही इसमें डाल सकें हम। आप देख सकते हैं इस पंप का साइज ये बड़ा है, इसे आप देख सकते हैं, तो इसमें ऐसे नहीं डाल पाएंगे। पहले हमें स्टम्प निकालना पड़ेगा पहले पूरा, फिर उसके बाद तभी हम डाल पाएंगे इसको। तो जो है ये जो हमारा आप पंप देख रहे हैं, या नॉर्मल जो कूलर का पंप होता है, सब देख सकते हैं कंपेरिजन में कितना लार्ज है ये देख सकते हैं आप। तो जो है ये हमें पहले लेने वाले थे, बट हमें पहले मिल नहीं पाए थे, अवेलेबल नहीं था शॉप पे, और जो ऑनलाइन अवेलेबल था वो चीप ब्रांड्स के थे, उसकी कोई वारंटी वगैरह नहीं थी। इसकी 1 ईयर वारंटी है, तो हमें यही चाहिए था। और जो पहले हमारे पास जो पंप लगा हुआ है, इसका जो थ्रो है ये जो है, मतलब की आउटलेट जो है इसका लीटर पर आर, ये 1000 लीटर पर आर है। मे भी इसीलिए सही से नहीं काम चल पा रहा था, क्योंकि मेरा 1000 लीटर का एक्वेरियम भी है, और 1000 मतलब की ऑलमोस्ट 1 आर में 1 टाइम सर्कुलेशन हो रहा था, इसलिए अच्छा सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था। और ये 3.5 ऑलमोस्ट 4 टाइम तक सर्कुलेशन कर देगा, क्योंकि ये 3500 लीटर पर आर ये हमारा पंप करेगा वाटर। और ये रही इसकी नोजल, और इसकी 1 ईयर वारंटी भी है, ये हमारा वारंटी कार्ड रहा, तो सही भी है ये 1 ईयर वारंटी के साथ। 650 रुपीज का है ये, सही है इस प्राइस रेंज में। तो चलिए चेंज करते हैं इसको, हमारा वाटर ड्रेन हो जाए, फिर हम उसको थोड़ा सा बाहर शिफ्ट करेंगे, फिर हम करना शुरू करते हैं, पूरा ड्रेन कर लेते हैं। ये हमारा ड्रेन हो गया ऑलमोस्ट, ये हमारा ये लास्ट चैम्बर, और द बायोलॉजिकल मीडिया वाला चैम्बर सबसे लास्ट में खाली करेंगे, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं। और अभी भी हमारा पंप नहीं निकल रहा है, तो इसको थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट करते हैं हम, इसको पुल करते हैं, जैसे ही हमारा ये सारा वाटर हमारा ड्रेन हो जाएगा। बायोलॉजिकल मीडिया का बट बस वेट कर रहे हैं, लाइट ऑफ कर लेते हैं, ये भी हमने निकाल दिया। अब इसको धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई और हो, आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प ज़रूर ले लें। हमारा पंप आ गया, अब इसकी नोज़ल निकालना रह गई है, ये नहीं निकल रही है, ये काफ़ी सही से स्टिक हो गई, तो हमने इसको कट करके बाहर निकाल दिया। टेफ्लॉन टेप है, ये बहुत जरूरी होता है कोई प्लंबिंग या आपको जैसा करें तो उसमें लगा लें, ताकि लीकेज ना हो। ये हम अभी लगा लेंगे, बट उससे पहले आपका कोई भी पंप हो, जो भी आप यूज करना चाह रहे हो एक्वेरियम में, उसको आप ये चीज खोलें शैफ्ट, और उसकी शैफ्ट होती है और मैग्नेट होता है, उस पर ल्यूब्रिकेंट लगा होता है, तो इसको क्लीन कर लें आप किसी भी क्लोथ से, ताकि आपकी फिशेस को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब फिर से असेंबल कर लेते हैं अपना पंप और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। अब टेफ्लॉन टेप लगा लें इसके ऊपर। इससे एक अच्छा गैस्केट बन जाता है और एक अच्छी ग्रिप मिलती है। हमारी ओल्ड पाइपलाइन है, पहले इसमें लगा के टेस्ट करते हैं, बट उससे पहले अपनी वायरिंग कर लेते हैं, मतलब कि अपना वायर इसमें पहले ओल्ड वायर में लगा लेते हैं जिसमें पहले मेरा लगा हुआ था, और उस पर टेपिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेपिंग करना।
ऐसे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, सही से बिल्कुल टेप कर देना चाहिए। अब जैसे सकते हैं इसके नीचे रबर पैड नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ये, तो हम इसके लिए स्पंज इसके नीचे लगा देंगे। यहाँ पर इसको रखेंगे हम, अब इसको रख लेते हैं, थोड़ा सा और फोम रख लेते हैं, अपना पंप रख लेते हैं अपने स्पंज के ऊपर। अब इसको अपने रख के देख लिया सही था वो, और जो हमारा हाफ इंच पाइप था ये सही नहीं है वाटर फ्लो के लिए। अगर पूरा वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा तो मैं नोज़ल है हाफ इंच की, इसको कट कर लेते हैं, और जो हमारी 3/4 इंच की नोज़ल है इसका हम यूज़ करेंगे। 3/4 इंच जिसको आप कहते हैं पाइप को, 3/4 इंच हमारा पाइप रहेगा तो उसी से वाटर फ्लो सही होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा तो सही रहता है वो। लगा लेते हैं इसको अपने पंप में लगा लेते हैं। अब ये हमारी पीवीसी पाइपलाइन जो हम यूज़ करने वाले हैं, CPVC, इसको हम बेंड कर लेंगे थोड़ा वार्म करके। आप इसको हीट गन से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हम कर रहे हैं ये भी कर सकते हैं, बट अगर आप अंडर एज हैं तो ना करें, हम फिर से कह रहे हैं प्लीज़ आप ना करें अगर आप अंडर एज हैं तो। अगर आपको इसका एक्सपीरियंस है तभी करें, ये हम बहुत बार कर चुके हैं इसीलिए हम कर रहे हैं ये। अगर आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल ना करें, आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं और अपना जो आपका सामान होगा वो भी वेस्ट कर सकते हैं। ये CPVC पाइप बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए काफ़ी ध्यान से करें अगर आप कर रहे हैं तो, और अंडर रहेंगे तो बिल्कुल भी ना करें आप। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि इसको हम हीट कर रहे हैं और इसको हम एल शेप में देंगे, थोड़ा सा यू शेप में, क्योंकि अगर हम एल्बो यूज़ करेंगे तो वो वाटर फ्लो को रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड होता है उससे, तो जो हम इसमें हल्का सा बेंड देंगे तो ये काफ़ी सही रहता है, इससे रिस्ट्रिक्शन काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा लूप बन जाता है, थोड़ा सही रहता है ये। और अगर इसमें आप 90 डिग्री एल्बो लगा देंगे तो वो सही नहीं रहता है, उससे आपका वाटर फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। तो देख रहे हैं हम इस पर थोड़ा वाटर डाल लें ताकि ये कूल हो जाए और सेट हो जाए जिस भी एंगल में है ये। इसको बार बार यही प्रोसेस करना होगा, आप देख सकते हैं मेरा हल्का सा पाइप जल गया, बट उससे कुछ नहीं होता है। हम फिर से यही प्रोसेस करेंगे, जो हमारा जला है ये सिर्फ ऊपर की लेयर है, इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक हमको सही एंगल नहीं मिल जाएगा जो हमको एंगल चाहिए। ज़्यादा एक बार में ना करें, उससे पाइप आपका बेंड हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, और वो मतलब कि उसमें किंक आ जाएगा, वो सही नहीं रहता है किंक से, फिर आपका वाटर फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है बार बार जब तक आपको सही एंगल नहीं मिल जाए जो आपको चाहिए एंगल। हमने यही करा है, बार बार प्रोसेस करा है जब तक मेरा सही एंगल नहीं आ गया। अब हमारा ये ऑलमोस्ट हो गया, तो हम चेक कर रहे हैं जैसा हमको एंगल चाहिए था वैसा आ गया। आप देख सकते हैं ये बिना किसी भी एल्बो या फिर किसी चीज़ के यूज़ के हमको जैसा पाइप चाहिए था वैसा हमारा मिल गया CPVC पाइप, और हमने इसके ऊपर वो देख सकते हैं ये हमारा वाइनल पाइप है, हमने डायरेक्टली चढ़ाया है अपने CPVC के ऊपर। हमने नोज़ल को इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि फ्लो को डिक्रीज़ कर देती, वो जहाँ पर नोज़ल होती है वो 1/2 इंच की होती है और फिर वो सही नहीं रहता है, तो हमने चाहते थे मेरा फ़्लो ज़रा सा भी डिक्रीज़ हो किसी भी चीज़ की वजह से, और तो जो हमने फिर ये वाइनल ट्यूबिंग यूज़ करी है। और जो हमारी ये ओल्ड पाइपलाइन थी इसको हम हटा रहे हैं, पहले हम अपनी सारी ये ग्रीनरी हटा लेते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा क्या था ये। और अब अपनी ये हटा लेते हैं हम सारी पाइपिंग जो है हमारी, ये जो रिटर्न पाइप है हमारा, ये रबर पाइप आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हमने यूज़ करा था ये, इसके बारे में बताया था, इसको हम आज हम हटा रहे हैं। और अब ये हमारी वाइनल ट्यूबिंग, इसको लगा के हम इस पर क्लिप लगा देंगे ताकि स्नग फिटिंग मिल जाए हमको और ये कभी भी लीक ना करे, क्योंकि हम कोई भी नोज़ल यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए बहुत ही ज़रूरी है ये। अब हम इधर लगा लेते हैं इस साइड वाली नोज़ल पे, जो हमारी पंप की नोज़ल है जिसको हमने प्रिपेयर किया था अभी कट करके, और इस पर हमने टेफ्लॉन टेप पहले ही लगा लिया है। अब बस इसको हमें क्लिप लगा के टाइट करना है, और अब हम अपना पंप इसमें फिट कर लेते हैं, क्लिप टाइट कर लेते हैं अपनी हम। अब ये रेडी है हमारा,
फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान सा लग रहा होगा ये, बट मेरा ऑलमोस्ट 1 डे लग गया है, पूरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक। ये देख सकते हैं, ये वीडियो हमारी नाइट की है। अब हम इसको फिट कर लेते हैं, क्योंकि आसानी से बेंड नहीं होती है तो इसके लिए काफ़ी ध्यान से इसको रखना पड़ता है। अब इसको शिफ्ट कर लेते हैं अपने सम को इसकी पोजीशन पर जहाँ पर था ये। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो किसी और की भी हेल्प ले लें। अब इस पर जिप टाई लगा लेते हैं हम। ये रही हमारी जिप टाई, उन्हें जिप टाई लगा ली, और भी जहाँ जहाँ आपको लगे जिप टाई लगाने की ज़रूरत वहाँ पर आप लगा लें। अब हमारी पूरी प्लम्बिंग हो गई है 3/4 इंच की, आप देख सकते हैं ये मेरी पूरी प्लम्बिंग जैसे चाहते थे वैसे ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी प्लम्बिंग हो गई है। अब हम लोग अपना पंप ऑन करके देखते हैं कैसा है हमारा रिजल्ट। वाटर फ्लो तो अच्छा है, पहले से काफी बेटर है, 2 और 3 टाइम्स हमें ज्यादा ही लग रहा है वाटर फ्लो पहले से। इफ यू हैव एंजॉयमेंट टू दिस वीडियो देन लाइक माय वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट गेट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय फ्रेंड्स।